आज हम जूस्पोर और जाइगोट दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जूस्पोर का अर्थ होता है चल बीजाणु और जाइगोट जिसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज। आपने कई बार पढ़ा होगा कि पुष्प में या फिर जंतुओं में या मनुष्यों में नर जनना और मादा जनना दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, और जब उनमें क्या होता है फ्यूजन की क्रिया होती है या संयुग्मन की क्रिया होती है तो जो बनता है वो होता है जाइगोट जिसको हम कहते हैं युग्मनज। मतलब जैसे शुक्राणु अंडाणु दोनों का निषेचन होता है ना मनुष्यों में तो बनता है जाइगोट। ऐसे ही पुष्प में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, लेकिन जो जूस्पोर यहाँ पे शब्द आपको दिख रहा है ये चल बीजाणु जो दिख रहा है इनका अर्थ ये होता है कि ये इनमें क्या पाया जाता है। एक तो ये अलैंगिक जनन से संबंधित होते हैं, फिर उसके बाद में इनमें प्रजनन अंग होते हैं जिनको कहते हैं सीलिया या कशाविका, जिसके माध्यम से तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। इनमें जो है अगुणित केंद्रक होता है और इसमें द्विगुणित केंद्रक होता है। क्यों होता है उसमें अगुणित केंद्रक? क्योंकि ये अलैंगिक जनन से संबंधित है, और आपने अलैंगिक जनन पढ़ा है कि इसमें ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव से नई जीव का या नई संतति का उत्पन्न होना क्या कहलाता है अलैंगिक जनन। उसमें जनन उसमें क्या होता है लैंगिक जनन में तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं, और दोनों बनते हैं और फिर दोनों में फ्यूजन होता है निषेचन होता है तब जाके जायगोट बनता है। ये यहाँ पे देखो इधर एग्जाम्पल के तौर पे ये है फीमेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा और इन दोनों के क्रॉस से जो बनेगा वो कहलाता है युग्मनज जायगोट जो कि द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि एक तो आया अंडाणु कोशिका का, एक आया शुक्राणु का, दोनों के एन एन इस तुम्हारे मनुष्यों में समझ लो 23 गुण सूत्र मेल के और 23 गुण सूत्र फीमेल के, दोनों के मिले 46। तो 46 गुण सूत्र जब मिलते हैं अगर डबल जब होता है तब 2n आएगा, ये ध्यान रखना, उसको कहते हैं द्विगुणित डिप्लॉइड। और एक होता है तो वो कहलाता है एन मतलब हेप्लॉइड मतलब 50%, समझ नहीं ना बात। तो जैसे निषेचन के समय ऐसे ही होता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो उसके दौरान कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाती है। तो जो शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं या युग्मक जो बनते हैं नर युग्मक मादा युग्मक, हमेशा ध्यान रखना कि जो युग्मक होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो बनता है युग्मनज जो होता है हमेशा द्विगुणित। ऐसा ही यहाँ पे आगे क्वेश्चन आ रहा है बता रही हूँ आपको। तो ये जूस्पोर अलैंगिक जनन से संबंधित है, युग्मनज लैंगिक जनन से संबंधित है, इसमें केंद्रक हमेशा अगुणित होता है, इसमें केंद्रक द्विगुणित होता है, इसमें क्या होता है ये कैसे होते हैं चल होते हैं, इसमें कैसा होता है ये अचल होता है क्योंकि इसमें चलने के लिए कोई इस तरह के सीलिया या कशाविका नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बिल्कुल क्या होता है जो स्पोर होते हैं इसमें समान गुण वाली संतानें होती है, और इसमें क्या होता है कैसी होती है, हाँ इसमें सारे जो है नए गुण आते हैं क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के संयुग्मन से बना हुआ है। ऐसे ही इसमें कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि पुष्पी पौधों के जो भाग होते हैं वो अगुणित है या द्विगुणित है, उनको पहचानिए तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अंडाशय हमेशा द्विगुणित रहेगा, अंडाशय कैसा रहेगा, उस अंडाशय से जो अंड कोशिका बनेगी वो अगुणित रहेगी, समझ में आ रही बात। जैसे स्त्रियों में अंडाशय पाया जाता है वो द्विगुणित है ना, लेकिन उससे जो अंडाणु बनेगा वो अगुणित बनेगा और उसको हम क्या कहते हैं नर युग्मक या मादा युग्मक। तो अंडाणु कहलाता है मादा युग्मक क्योंकि स्त्रियों से बनता है। इसी पुष्प में भी मादा जनना नर जनना उनमें भी होता है, जंतुओं में भी होता है। पराग कोष ये कैसा होता है, ये भी द्विगुणित। मैं बार बार यहाँ लिख नहीं रही हूँ, कुआ मतलब द्विगुणित। अब पोलन से द्विगुणित क्यों है, क्योंकि इससे जो पराग कण बनेंगे वो कैसे होंगे अगुणित, कैसे होंगे अगुणित। लेकिन ये जो शरीर की संरचना होती है पराग कोष मतलब पौधों का वह स्थान, पौधों के नर जनन अंग का वह स्थान जहाँ नर युग्मक बनता है ना, उसी को कहते हैं पराग कोष। आपने ऐसी संरचना देखी होगी, ये देखिए ये पराग कोष है, इस पराग कोष के अंदर यहाँ पराग कण भरे रहते हैं और इनसे बनता है नर युग्मक। लेकिन नर युग्मक भले हमेशा अगुणित होता है लेकिन ये जो संरचना है जहाँ बनेगा ये चूहन होता है, द्विगुणित होता है। जैसे मैंने बताया ना कि स्त्रियों में अंडाशय कैसा है द्विगुणित, लेकिन उससे जो अंडाणु बन रहा है वो अगुणित। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पुरुषों में बनेगा शुक्राणु, स्त्रियों में बनेगा अंडाणु, फिर दोनों का निषेचन होके जो नया बच्चा जो बनेगा जाएगा।
के द्वारा नई संतति वो वापिस विभाजित हो जाएगा। 23 इधर के 23 उधर के भी नहीं है, 46 से वापिस नया बनेगा। ऐसे पुष्प में भी होता है, समझ में आई ना बात। अब यहाँ पे देखिए अंडा आ गया ना, अंडा कैसा होता है अगुणी, फिर परागकण वो भी अगुणी, फिर उसके बाद में नर युग्मक अगुणी, मादा युग्मक अगुणी, नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं वो सब हमारे मनुष्य में। आपको विशेष अभी जो प्रजनन पढ़ेंगे आप उसमें आपको नाम याद रखना है कि मनुष्य में नर युग्मक जो होता है वो कहलाता है शुक्राणु और मादा युग्मक जो होता है वो कहलाता है अंडाणु, है ना। दोनों का निषेचन होता है, दोनों के निषेचन से बनता है जायगोट, युग्मनस बोलते हैं जिसको। ये द्विगुणित हो जाता है, युग्मनस हमेशा द्विगुणित होगा। ऑब्जेक्टिव में आए कहीं भी आए तो ध्यान रखना कि युग्मनस मतलब जायगोट हमेशा द्विगुणित होता है, लेकिन जो युग्मक होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक वो हमेशा अगुणित होते हैं। इसी के आधार पे जैसे एक क्वेश्चन बनता है एक लिंगी द्विलिंगी एक लिंगाश्रय उभय लिंगाश्रय इनसे आप क्या समझते हैं। तो एक लिंगी द्विलिंगी, एक लिंगी का अर्थ क्या है कि जैसे सपोज करो एक फ्लावर है, उस फ्लावर में एक जगह एक नर पुष्प है, कौन सा पुष्प है नर पुष्प है, तो इसमें नर पुष्प है केवल मतलब इसमें पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर ये परागकण वगैरह ये सब पाए जाते हैं, है ना। मतलब यही वाला है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं आपने पुष्प के चार नाम याद किए कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और चौथा कौन सा है गाइनोशियम, कौन सा है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब पुष्प का नर जनना, गाइनोशियम मतलब पुष्प का मादा जनना। तो यदि खाली एंड्रोशियम उपस्थित है तो ये पुष्प नर पुष्प कहलाएगा, यदि इसमें एक पुष्प है उसमें यदि गाइनोशियम स्थित है तो ये मादा पुष्प कहलाएगा, यदि इसमें नर उपस्थित है तो वह नर पुष्प, मादा जनना उपस्थित है तो मादा पुष्प, और यदि एक ही में दोनों है जैसे आप गुड़हल का फूल देखते हैं उसमें एक ही पुष्प में नर जननांग मादा जननांग, अधिकांश पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, उनमें एक ही के शरीर में नर और मादा दोनों होते हैं। आप गुड़हल देख लें, आप सरसों देख लें, धतूरा देख लें, जितने भी पुष्प हैं हम पढ़ते हैं अभी बायो में, उनमें जनरली पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, मतलब एक ही के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं, तो वो कहलाता है उभयलिंगी बायसेक्सुअल। देखो द्विलिंगी भी कहते हैं उसको, उभयलिंगी भी कहते हैं, ध्यान रखना उभय मतलब दोनों, द्वि बाय मतलब, इसलिए इंग्लिश में याद करवाते हैं आपको टर्मिनोलॉजी क्योंकि उससे आपको मीनिंग याद होता है। यूनिक, यूनिक मतलब एक, यूनिट इकाई याद रखते हैं कि नहीं आप, तो यूनिक मतलब एक, एक लिंगी का अर्थ कभी भी आए कभी भी पूछे तो ध्यान रखना कि एक लिंगी मतलब, क्योंकि हमको आगे भी निषेचन पढ़ना है पुष्प में, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एक लिंगी मतलब वो कि ऐसा पुष्प जिसमें या जंतु जिनमें केवल नर या मादा में से एक ही जननांग होता है तो वो एक लिंगी, द्विलिंगी जिनमें दोनों होते हैं उन्हें कहा जाता है द्विलिंगी। पुष्प बहुत ज्यादा होते हैं द्विलिंगी, जंतु कम होते हैं जैसे केंचुआ है ना द्विलिंगी है, तो ये अपने जोंक है द्विलिंगी, बहुत कम होते हैं द्विलिंगी जो होते हैं जनरली। आपने देखा जैसे मनुष्य कौन सा प्राणी है एक लिंगी या द्विलिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी, क्योंकि हमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, द्विलिंगी नहीं है क्योंकि हमें नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं। अब एक आता है एक लिंगाश्रय उभय लिंगाश्रय, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक लिंगी और द्विलिंगी, अब एक लिंगाश्रय उभय लिंगाश्रय क्या होता है ना। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसको ऐसे ध्यान रखो देखो उभय, उभय मतलब दोनों, दोनों लिंगों को, लिंगाश्रय मतलब आश्रय देने वाला, मतलब ऐसा पौधा जिसपे नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाए, एक नर जननांग और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाए तो उसे कहते हैं नर पुष्प और मादा पुष्प, सॉरी नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं तो उसे कहते हैं उभय लिंगाश्रय। जैसे मक्का, ये मक्का का है सपोज कीजिए, मक्का का है यहाँ पे नर पुष्प होगा, कौन सा पुष्प होगा नर और यहाँ पे मादा, एक उभय मतलब क्या बताया मैंने दोनों, लिंगाश्रय दोनों को आश्रय देने वाला एक पौधा है, नर पुष्प को भी अपने साथ रख रहा है मादा को भी रख रहा है, तो वो वाला जो है भले ये है अलग अलग पर दोनों एक ही उसमें, तो इसको कहते हैं उभय लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय में उल्टा होता है, एक लिंगाश्रय में क्या होता है विपरीत होता है कि अलग अलग पौधों पर नर और मादा पुष्प पाए जाए, अलग अलग पौधों पर
एक पौधे पर नर पुष्प, दूसरे पौधे पर मादा पुष्प होता है, तो उसे कहते हैं एक लिंगाश्रयी। इसको कहते हैं उभय लिंगाश्रयी को मोनोइसियस, इसको कहते हैं डाइसियस। उभय लिंगाश्रयी का उदाहरण है मक्का, आपने मक्का का देखा होगा, अभी लग भी रहे हैं, देखना अभी थोड़े थोड़े बढ़ गए होंगे। खीरा, कुकरबिटा, नारियल, मक्का में आपने देखा है नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है आकृति में, एक बाल वाला होता है, पूरे बाल बाल होते हैं, और एक में आपको वो परागकण और वो दिखाई देंगे। तो वो दोनों जो है आप देखना ऐसे दिखाई देंगे, एक अलग लगा हुआ एक अलग लगा हुआ, आप देखना जाके अपने खेत पे कि उभय लिंगाश्रयी है क्या मक्का वाला, उस पे देखो जाकर, उसमें आपको मक्का में ऐसे ही दिखेगा, नर पुष्प और मादा पुष्प होंगे एक ही पौधे पर, है ना, दोनों एक साथ एक ही पौधे पर होते हैं पर अलग अलग होते हैं। और एक लिंगाश्रयी जो होता है पपीता, शहतूत, खजूर, पपीते में आपने देखा होगा नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग उसपे जो है पौधों पर भी पाए जाते हैं एक लिंगाश्रयी, जिनको कहते हैं पपीता और शहतूत। तो ये इस तरह से जो है ये खजूर और भी ऐसे उदाहरण, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी अलग ही क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जो स्पोर और युग्मक इसमें जायगोट दोनों में अंतर बताइए, तो पांच अंतर आपको बताने, चार से पांच अंतर। फिर पूछेंगे पुष्पी पौधों के भाग जो होते हैं कौन से अगुणित है कौन से द्विगुणित है, ये बता देंगे। इनमें आपको शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे, कभी परिभाषा पूछ ली, एक नंबर है पूछ लिया, एक लिंगाश्रय का उदाहरण बताइए, इनकी परिभाषा बताइए, कौन सा पुष्प एक लिंगी है कौन सा पुष्प द्विलिंगी है, कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ओके।